तो एडवांस एक्सेल में हम बात कर रहे हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम आपके साथ बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए कई बार क्या, देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल है कि मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया, यहाँ पे 30 टाइप, मुझे इसका सम निकाल। तो सम निकालने के लिए मेरे पास एक तो है कि सम का फॉर्मूला अप्लाई करें, और दूसरा हम प्लस करें इनको आपस। दोनों का रिजल्ट तो बिल्कुल सेम है, पर फर्क क्या है, ये आपका इनबिल्ड फॉर्मूला। क्या है इनबिल्ड फॉर्मूला, इसके इनपुट सर मेरे को आउट। आपका बाबू श्री दिखना है क्या? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको, क्या नहीं नहीं सर, नहीं दिख। बात कर रहे हैं, स्क्रीन में शेयर है। हाँ, सर दोबारा लाइन करें क्या? नहीं, अब दिख रहा है। अभी आ गया, अभी अभी आ गया। तो यहां पे हमने सम किया, और यहां पे हमने क्या किया, प्लस किया, प्लस का सिंबल। तो सम फॉर्मूला भी सेम रिजल्ट दे रहा है, ये भी आपका सेम रिजल्ट, राइट। जी सर, अब बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो सम फॉर्मूला आपका इनबिल्ड फॉर्मूला, क्या है इनबिल्ड फॉर्मूला। इनबिल्ड अब इनबिल्ड फॉर्मूला होने से क्या होता है कि इसके जो कंडीशंस है, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो इनपुट है, फिक्स होता है। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते। बट ये मैंने प्लस का सिंबल किया है, तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर, हम अपने हिसाब से अपने जरूरत से इसको यूज कर सकते। वैसे क्या होता है कि ऑफिस में हर बार आपको हर तरह की कैलकुलेशन करने के लिए सब कुछ नहीं होता, ठीक है, जी सर, सब कुछ नहीं होता, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए, कि मैंने एक प्रोडक्ट को बाय किया 500 में और सेल किया 550, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज अब प्रॉब्लम यहाँ है कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कैसे नहीं, ठीक है। जी सर, अब इसके लिए आपके फॉर्मूला बार में कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स रूल्स है। अगर आपको पेन पेपर दूं तो आप सीधे करेंगे, क्या बोलेंगे कि सेल माइनस बाय, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। अब इसको कैसे करें, आप तो यहां पे इक्वल हमने यहां पे किया कि इन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमने सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, सॉरी डिवाइड तो लगाना भूल गया, डिवाइड बाय बाय। ठीक है, 10% आया, इस तरह से डेसिमल में आएगा, तो इसको परसेंटेज पे यहां क्लिक करना पड़े, तब 10%। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने ब्रैकेट क्यों लगा, हम बिना ब्रैकेट से तो कर सकते थे। प्लीज तो ब्रैकेट लगाने के पीछे का पर्पस है, यहां पर 2 + 2 / 2 कितना होगा सर, सर, ऐसे तो बेसिकली 2 होना चाहिए हमसे, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आई थिंक 3 दे देगा ये। 3 आया क्योंकि बोर्ड मास में था, बोर्ड मास में तब कहता है फर्स्ट डिवाइड देन प्लस, राइट राइट सर, इसलिए हमने यहाँ, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो 500 को 500 डिवाइड करके 550 से माइनस कर दे, रिजल्ट आएगा 549, जो कि गलत है, जी सर, जी इसलिए बोर्ड मास मेथड बताओ। तो अब इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या है, ये आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड, ये होता है पावर। पावर समझते हैं ना, 10² 2, स्क्वायर जो होता है ना, यस स्क्वायर क्यूब, तो पावर इस सिंबल से। जैसे एग्जांपल के लिए 10 का पावर 3 करना,
ये पावर देंगे, शिफ्ट के साथ सिक्स दबाएंगे तो आएगा, थ्री कर दिया तो देखिए तो था भी। अब अगला एग्जांपल एक और करते हैं, मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, टाइम, मुझे यहाँ अमाउंट निकालना है। हालांकि अमाउंट निकालने के लिए ऑलरेडी एफडी का फॉर्मूला अवेलेबल फ्यूचर का, लेकिन मान लीजिए कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, मेरी जो कैलकुलेशन है वो अलग है, ठीक है। तो मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है, मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है, वो कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी बिफोर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन, एन क्या है पीरियड है, यहाँ पे 12 है ना, इसलिए पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर कोई डाउट नहीं। अब इसको इम्प्लीमेंट करना, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो एक बार में लगाएंगे तो कुछ चीजें कुछ गलत हो सकती है किसी तरह का, ठीक है जी सर। इसको हम एक बार में नहीं लगाना चाहते, इसको तोड़ तोड़ के लगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सर बेसिकली पी और पी का एक सेट में डाल देंगे वैल्यू, हाँ, अभी यहाँ पे वन बाय वन करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करें, इक्वल वन यहाँ पे इक्वल वन प्लस इन दी ब्रैकेट, हर कैलकुलेशन को ब्रैकेट में लीजिएगा, आर डिवाइड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज किया एंटर प्रेस किया, देन टाइम टाइम है 3 साल मल्टीप्लाई बाय 12 एंटर मारा 36 आया, फिर इन दोनों का पावर निकालना, देन इसको p से मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट आया सर? जी सर। अब इस रिजल्ट को हमने लाने के लिए, जो रिजल्ट हमने लाया, इस रिजल्ट को लाने के लिए हमने क्या किया, कई सेल्स इस्तेमाल, हमने क्या किया, कई सेल्स इस्तेमाल, लेकिन मुझे इन सबको अगर एफबी का फॉर्मूला लगा था तो इस सबको मुझे एक सेल में रखना पड़ता ना, अब यहां पे क्या करेंगे हम, इसको करेंगे कंबाइन, इस पे क्लिक किया, इससे लिंक है ए, इस दोनों से लिंक है, इस पे आए, इसकी जो इक्वल के बाद जो फॉर्मूला है ना उसको कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी एस्केप मार के बाहर, क्या करेंगे एस्केप प्रेस करके बाहर आए, हमने कॉपी किसका किया है सी 10, सी कॉलम 10 नंबर रो, अब इस पे डबल क्लिक करके जहां सी 10 है ना उसके डिलीट करके उसके जगह ब्रैकेट के अंदर हमने सी 10 के फॉर्मूले को पेश कर दें, हमें सी 10 को अगर डिलीट करूंगा तो फर्क, उसी तरह से डी 10 पे आया, इक्वल के बाद डी 10 के फॉर्मूले को कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर निकला, और यहां पे जहां डी 10 है वहां पे हमने इसकी पोस्ट कर, अब इसको भी हटा सकता हूं, फिर ई 10 पे डबल क्लिक किया, ई 10 के फॉर्मूले को सिलेक्ट किया, इक्वल सिलेक्ट नहीं करना है, कॉपी करने के बाद कहीं क्लिक नहीं करना है, एस्केप प्रेस करके बाहर आना, फिर जहां ई 10 है उसकी जगह पे उसका फॉर्मूला हमने पेश कर, ठीक है, अब इसको डिलीट किया, इसको यहां, अब इसको यहां ले जाना है मुझे यहां पे, तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे हम, करेंगे कट कंट्रोल एक्स और यहां पे पेस्ट, क्यों ऐसा किया, तो कॉपी पेस्ट करते हैं तो जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो रेफरेंस अपना इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, इसलिए क्या होता है कॉपी पेस्ट से रेफरेंस, जैसे बी 6 है तो ये आपको चेंज हो जाएगा ना, बी 7 भी चेंज हो जाएगा ना, लास्ट टाइम बताया था ना कि हमें इसको फ्रीज लगा, फ्रीज करना पड़ता है डॉलर साइन से, जी जी सर, वो तो किया ही नहीं है, उसको करने से अच्छा है कि इसको कट करके पेस्ट कर दीजिए, कट करके पेस्ट करेंगे तो मूव होता है, तो मूव होते समय ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है।
क्लियर है विदाउट इसमें? नहीं सर कोई डाउट नहीं। बेसिकली से पहले आपने जो सिंगल सिंगल फॉर्मूला लगाया तो उसी सेल पे जाके और वो सेल का जो वैल्यू था उसको पेस्ट उसको कॉपी पेस्ट मतलब कंट्रोल सी करके एस्केप नहीं दबा के डायरेक्ट उसी प्रोग्राम डालते सर। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी प्रोग्राम। ठीक है जी सर आगे बढ़े। जी जी सर अब इसमें अब हो सकता है कि छोटा सा है तो आपको ऐसा लगे कि ये तो सर इतना खास नहीं है, हम ऐसे भी लगा सकते थे। तो एक एग्जांपल और बताते हैं जिसमें आप कहेंगे कि नहीं सर आप सही बता रहे थे ये नहीं हो सकता है। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 50 और एमआरपी मुझे इसकी निकालनी है। अब एमआरपी निकालने के लिए क्या है कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, ठीक है? एमआरपी निकालने के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, तो मैन्युफैक्चरर कहता है कि मेरी जो जो मेरा ये है अमाउंट है जिसका प्रोडक्टिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट है 50 रुपए, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% मुझे चाहिए, ठीक है ना? जी सर। तो 5% निकाला और अपने कॉस्ट में ऐड करके दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मेरे खरीद का 10% मुझे चाहिए, क्या चाहिए 10%, और वो अपने खरीद में इसको ऐड करके बेच देता है किसको, रिटेलर को, रिटेलर को माफ कीजिएगा होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है अपने खरीद का 15% ऐड करता है, और बेच देता है किसको, रिटेलर। ठीक है जी सर। और रिटेलर क्या करता है, अरे सॉरी क्या करता है, वो अपने खरीद का रिटेलर 20% ऐड करके दे देता है किसको, होलसेलर, इसको कंज्यूमर। तो फाइनल प्राइस यही रहा जो आपके सामने दिख रहा है जी सर, ठीक है ना? अब मुझे इतने कैलकुलेशंस के इतने सारे चीजें जो की है ना, मुझे इसको एक सेल में करना है। कैसे करें एक सेल में, तो मैं क्या करूंगा कि इसको उठाऊंगा यहां से, कॉपी किया और यहां जहां डी 12 है ना, डी 12 पे मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट कर दिया डी 12 पे। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा, फिर इसको उठाऊंगा यहां से कॉपी करूंगा और फिर मैं पेस्ट कर दूंगा यहां जहां पे D13 है, कहां है D13 की जगह पे, फिर D13 यहां भी D13 है वह, और D13 को डिलीट करके इन दी ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट मत भूलिए डाल। अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किया और जहां हमारा E12 है, E12 के जगह पे E12 का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर और इसको डिलीट कर दिया। तो इसी तरह से इसकी फॉर्मूला हम एक दूसरे में कॉपी पेस्ट करते जाए सिंपली। E13 का फॉर्मूला E13 के अंदर पेस्ट कर रहा है, हाँ E13 है
यहां भी इसके फॉर्मूला को हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं यहां से डिलीट कर सकता हूं। उसके बाद यहां से उठाया, इसकी फॉर्मूले को मैंने यहां से सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहां जहां F12 था उसके जगह पे F12 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर एंटर मारा, इसको सिलेक्ट कर। अब इस पे गए, सिलेक्ट किया, कॉपी करके बाहर निकले और जहां F13 है F13 के जगह पे F13 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। यहां भी F13 है उसके जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब इसको यहां से डिलीट करते हैं, यहां हम इसको आते हैं, इसमें हमने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया, एस्केप मारा और यहां G12 के जगह पे पेस्ट कर इन दी ब्रैकेट ब्रैकेट कर। ठीक है, एंटर मारा, आ गया, इसको डिलीट कीजिए। अब इसको यहां से कट करके हम यहां पे ले आके पेस्ट कर। अब बताइए इतना लंबा फॉर्मूला क्या आप लिख पा रहे? है ना ट्रिपल जी, लेकिन जो मैंने तरीके बताए उस तरीके से तो आप आसानी से लिख लेंगे। तो यही तरीका और भी तरीके इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो दिक्कत इसमें नहीं, नहीं। आगे बने जी सर। तो अब इसकी प्रैक्टिस है, यहां पे मैंने यहां मैंने प्रैक्टिस दो प्रैक्टिस शीट में कुछ एल्गोरिदम रखा हुआ है। अब इसको ट्राई कीजिए, अगर ये आपको हार्ड लगता है तो प्रैक्टिस टू पे कुछ स्मॉल चीजें हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, कुछ इक्वेशन है मैथमेटिक का, उसको ट्राई। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट।